नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ का ये अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से आकर ग्रहण किया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इटावा पहुंचकर निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के लोग लखनऊ में बैठकर तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं। वो लोग एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते। हम लोग जनता के बीच में हैं और मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजना लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले कट्टा तमंचे और बंदूकों की सरकार होती थी। पड़ोसी राज्यों के लोग यूपी के लोगों को देखकर ही दाएं बाएं हो जाया करते थे। समाजवादी पार्टी में गुंडे माफियों की वजह से बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर सभी लफंगों को जेल पहुँचा दिया है। और यहाँ जिस ढंग से बड़ी संख्या में लोगों ने इस जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इटावा की सभी सीटों पर बर्थना समेत कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुखपाल सिंह यहाँ और रामगोपाल आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग प्रशासन और आपको पता है दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि ये कब होता है? ये तब होता है जब चुनाव हम हार रहे होते हैं, तब है तरह तरह के आरोप लगाते हैं और लखनऊ से बैठकर लगाते हैं। हम लोग गांव गली में घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और वो लोग अपनी वातानुकूलित कक्षों से ही बाहर नहीं निकले हैं और जनता सब देख रही है। निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के दो अन्य मामलों में भी जल्द फैसला आना है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम सुनवाई के बाद 17 मई और 20 मई को फैसले की तारीख मिली है। बता दें कि कुल गवाहों की संख्या 6 है, जिनमें से 2 लोगों की गवाही हो चुकी है जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। आज जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के दो मुकदमे लगे थे, एक तो 307 और 120 बी का मुकदमा है जो थाना मोहम्मदाबाद का है और एक जो है गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है थाना करंडा का। ये दोनों मुकदमा जो है सन 2009 का है और 307 में जो है एक अभियुक्त जो सोनू यादव है सह अभियुक्त, वो जो है 2010 में बरी हो चुका है और उसके साथ 120 बी जो है बाद में बढ़ोतरी करके मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए अभियुक्त बनाया गया था। उस समय घटना के समय वो जेल में थे। मुख्तार अंसारी के शस्त्र लाइसेंस की बात चले थी, छापेमारी भी की थी, क्या है पूरा मामला सर और क्या कार्रवाई? IS-191 गैंग है मुख्तार अंसारी का, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, एसोसिएट्स हैं, उस गैंग के जितने गुर्गे थे उन सभी के शस्त्र लाइसेंस नस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है गाजीपुर पुलिस द्वारा। उसी में केवल ये अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र जिनकी पूर्व में ही रिपोर्ट जा चुकी थी, लेकिन अब जो इन्हें सजा की गई है इसके फलस्वरूप इनके भी लाइसेंसों को निलंबित किया गया है जिलाधिकारी द्वारा। और उसी सिलसिले में कल मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा उन सर्च लाइसेंसों को सर्च किया गया था, उनके आवास पे अभी मिले नहीं है। अभी जो संबंधित थाना प्रभारी है वो जेल में जाके उनसे पूरा तस्दीक करेगा। वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में वडनगर मेडिकल कॉलेज का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। वडनगर मेडिकल कॉलेज 2017 का पहला बैच है जहां
143 छात्र छात्राओं को डॉक्टर की पदवी से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के विजन पर चलते हुए आज राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा के लिए काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि समाज में डॉक्टरों की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, साथ ही पीजी और विशेषज्ञ सीटों में भी इजाफा हुआ है और भविष्य में इन सीटों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने घूमते हुए जीवन जीने वाले नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। मंत्री बावनिया के द्वारा 167 बेघर समुदाय को आवासीय प्लॉटों का विलेख वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री बावनिया ने उपस्थित प्रमुख जाति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक विकास के उद्देश्य से 100 वर्ग मीटर का प्लॉट वितरित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को घूमता हुआ जीवन जीने वाले समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अंगदान का भावुक पल देखने को मिला, जहां कन्यादान का सपना देख रहे माता पिता ने अपनी बेटी का अंगदान किया। नर्सिंग अभ्यास करते हुए एक छात्रा किंजल का ब्रेन डेड हो गया था। किंजल के माता पिता ने उसके अंगों को दान करने का फैसला किया, जहां किडनी और एक लीवर उसके 3 जरूरतमंदों की जिंदगी बदल दी। किंजल के माता पिता ने बताया कि आज हमारी बेटी मरने के बाद भी जरूरतमंदों को नया जीवन देते हुए नेक नियत से भगवान के पास चली गई। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। झांकी को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में दिखाया जा रहा है। झांकी के गोपेश्वर पहुंचने पर स्थानीयों ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को विकास भवन से मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित मिश्र ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉकों के लिए रवाना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की झांकी का देश में प्रथम स्थान पर आना हमारे लिए गौरव का विषय है। इससे युवाओं को उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी मिलेगी। गौरव का विषय है कि हमारे प्रदेश की झांकी थी, इस बार कर्तव्य पथ पर उसको प्रथम स्थान मिला है और उसके बारे में जो जानकारी है विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचे, विभिन्न विकास खंडों तक पहुँचे, तो जनपद में उसी का रेप्लिका यहाँ से इस झांकी को प्रदर्शनी के रूप में एक व्हीकल पे जो माउंटेड है उसको यहाँ से रवाना किया गया है। आज बड़ा गौरव का विषय है कि उत्तराखंड की जो हमारी झांकी जो 26 जनवरी को भारत में प्रथम आई और इस झांकी में हमारे पूरे उत्तराखंड को दर्शाया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा और इसी तरह हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ता है। चारधाम यात्रा के बीच उत्तरकाशी पुलिस नशे के अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने चारधाम यात्रा के दौरान अवैध नशे और मादक पदार्थों पर कार्रवाई के लिए प्रत्येक कोतवाली पर स्पेशल पुलिस टीम गठित कराई है। इसके कारण स्पेशल टीम नशे के कारोबारियों को लगातार सलाखों के पीछे भेज रही है। इसी कड़ी में कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा कोटी में अवैध पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री जी के जो ड्रग फ्री देवभूमि बाय 2025 मिशन के तहत कल कोतवाली उत्तरकाशी संयुक्त और एसओजी की संयुक्त टीम ने 11.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया उत्तरकाशी, जिसका नाम शिवम गर्ग है।
ये शिवम गर्ग जो है पहले भी इसके खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी में 2021 में मुकदमा पंजीकृत है, उसमें जेल भी जा चुका है ये, और इसकी वापस गिरफ्तारी की गई है। इसके आधार पे हमने 8/21 NDPS एक्ट कोतवाली में उत्तरकाशी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और चूंकि ये एक बहुत आदतन अभ्यस्त अपराधी है इसका स्मैक का, तो इसकी कार्रवाई को और आगे एक नज़ीर स्थापित करने के लिए हम इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी खोलेंगे, और इसकी जितनी भी नशे के व्यवसाय से जिसने भी इतने अवैध संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त किया जाएगा। उप सचिव मंगीस घंडियाल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कामों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की पूजा और दर्शन भी किए। खुले में बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण की अच्छी प्रगति पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जिस तरह तेजी के साथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है वो बेहद ही सराहनीय है। वहीं लक्ष्मण झूला के ब्रह्मपुरी के पास एक अज्ञात शव SDRF की टीम ने गंगा से बरामद किया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। झांसी के शाहपुर में बस की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वही पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV कैमरे के आधार पर बस की पहचान तिलक ट्रेवल्स के नाम से की गई है। फिलहाल युवक को नजदीकी प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया गया है। झांसी के बबीना में उस समय हड़कंप मच गया जब दो अलग अलग जगहों पर दो शव पाए गए। बताया जाता है कि पहले युवक ने शीशम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी साइकिल पंचर की दुकान खोले हुए था जिसका अपना परिवार वो उसी से चलाता था। वहीं फांसी लगाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा शव कपिल का है जो छावनी परिषद में काम करता था। दोनों की ही मौतों का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने दोनों शवों को PM के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी का गाली गलौज करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती का बताया जा रहा है, जहां जयंती के दौरान जेल स्टाफ ने जेल लाइन में एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें बाबा साहेब को लेकर गोष्ठी के बाद भोजन का आयोजन किया गया था। पूरे प्रोग्राम में जेल स्टाफ से लेकर कैदी भी शामिल थे। दरअसल गोष्ठी में सिपाही ने एक हूटिंग की, जिसके बाद जेल अधीक्षक का पारा गर्म हो गया। बता दें कि पुलिस ने ही जेल अधीक्षक का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरदोई के साहबाबाद में एक मजार पर युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि किसी विशेष कारण के चलते युवक ने मजार पर फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। कि सुबह जब हम आए थे हमने ये देखा किवाड़ा खुला हुआ था, थोड़ा खुला हुआ था, बाकी कुंडी अंदर से लगी हुई थी। फिर हमने आवाज़ भी दी, आवाज़ देने के बाद में कुछ पता ही नहीं चला कोई अंदर है। हमने जितो देखा अंदर है मगर वो बोला वाला नहीं। फिर हमने ये देखा कि वो लड़का उसके गले में रस्सी थी ये दुपट्टा, और उसके बाद में वो बैठा हुआ था। तो हम घबरा गए एकदम। हमने किवाड़े में हाथ भी नहीं लगाए और हम सीधे घर पहुंच गए। मैंने फ़ोन करवाया, 3-4 लोग जैसे जिसे जानते हम, वो लोगों ने उठाए नहीं। फिर हम चले गए किरण के पास, किरण मेंबर, उन्होंने फ़ोन इतला कराई इंस्पेक्टर साहब को। ये हंसराज यादव है, ये रहने वाले
इवायतपुर गांव के हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि इनका पुत्र सोनू ये अपने गांव से बाहर जाके एक मजार है, मजार के कैंपस में ही उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है और इनके प्रार्थना पत्र पे उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बहराइच में 11 मई से 11 जून यानी एक महीने की अवधि तक चलने वाला सालाना जेठ मेले में कानूनी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चौकसी रखी जाएगी। इसके अलावा तपती गर्मी के बीच हर साल आयोजित होने वाले मेले में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मेले में आने वाले लोगों को सिलेंडर और ज्वलनशील चीज़ें न लाने का निर्णय लिया गया है। डीएम ने समिति को सुझाव दिया है कि मेला सहित रोडवेज, रेलवे स्टेशन सभी जगहों में स्वयंसेवक की तैनाती कर दे ताकि मेले में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं बिजनौर के निजामाबाद में दिन दहाड़े दो बच्चियों से स्कूटी सवार चोर मोबाइल छीनकर फरार हो गए, जिसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल आपको बता दें कि युवक की दो छोटी बच्चियां मोबाइल चलाते हुए अपने पिता के पीछे पीछे चल रही थी। इस दौरान अचानक से एक स्कूटी सवार चोर बच्चियों के करीब आ गया और उनके हाथों में से मोबाइल छीनकर फरार हो गया, जिसके बाद बच्चियों के शोर मचाने पर पिता सहित वहां मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर फरार हो गया। फिलहाल युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।